यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में सोमवार शाम से ही रह रहकर बरस रही भारी बारिश से मौसम का मिजाज बेहद उग्र हो चुका है। ऐसे में मंगलवार की सुबह से ही तेज बारिश जारी थी। इसी दौरान शहर के छत्रपति संभाजी नगर में सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच बिजली गिरने से शहर में हड़कंप मच गया। छत्रपति संभाजी नगर निवासी मलिका अशफाक पटेल के घर के पैराफिट पर बिजली गिरने से उनके मकान में लगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किस्मत अच्छी थी कि इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई है, मगर खौफनाक आवाज के साथ गिरी बिजली से मकान और मकान में रहने वाले लोग थर्रा गए थे। मकान के स्लैब में दरारें पड़ गई और पैराफिट का एक हिस्सा टूट गया। मकान में लगी फाइबर की छत फूट गई। पीओपी में लगे बिजली उपकरण सहित फ्रिज, पंखे, कूलर, वॉशिंग मशीन बंद पड़ गए हैं। घर के हर कमरे की बिजली कनेक्शन की वायरिंग जल गई। इस हादसे में कुल मिलाकर मकान मालिक का लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना का पता चलते ही तहसील प्रशासन के मंडल अधिकारी डीडी डोलारकर, दिग्रस के तलाठी बालू इंगोले सहित कर्मचारी तानाजी पवार ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। इस दौरान बिजली गिरने से प्रभावित हुए पटेल परिवार में तहसील प्रशासन से जल्द नुकसान की भरपाई उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। इन बीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।